इस वीडियो में कैसे क्लिपिंग करें लेयर मास्क, जो लेयर का क्लिपिंग मास्क टूल है। देखिए यहाँ पर लेयर्स है, मेन मेन में लेयर्स पैलेट है। लेयर्स पैलेट में देखिए यहाँ पर लेयर मास्क, वेक्टर मास्क, फेड क्लिपिंग मास्क, ये सब अनहाइड ओके हुआ है, ओके है। लेकिन जब सिलेक्ट करेंगे कोई एक लेयर को सिलेक्ट करेंगे, जब अगर देखिए इस लेयर को या कुछ भी लेयर को हमने सिलेक्ट किया तो ये हाइड अनहाइड हो गया, नहीं तो पहले हाइड होके था। तो अभी क्या, मैं सिलेक्ट किया तो हमको अगर कुछ करना है, मतलब क्लिपिंग करना है, तो हमको क्या, मेरा एक मैं दो लेयर लिया हूँ, एक इमेज लेयर ये और एक है टेक्स्ट लेयर। देखिए टेक्स्ट लेयर और ये इमेज लेयर। तो हमको क्लिपिंग करना है, मुझे क्या करना है, जो इमेज है, इमेज का जो कलर है, जो भी इमेज है, इस जो गुड मॉर्निंग टेक्स्ट के अंदर आना है। तो क्या करना है मुझे, तो जिसका हम क्लिपिंग करेंगे, जैसे हम इस लेयर को, इमेज लेयर को क्लिपिंग करेंगे, तो हमको क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी ऑर्डर है, तो इमेज को ऊपर रखना है। इमेज लेयर जो है उसको टेक्स्ट इमेज का, टेक्स्ट लेयर का ऊपर रखना है। देखिए मैं अभी रखा हूँ, तो देखिए क्या हुआ, टेक्स्ट लेयर का हाइड हो गया, टेक्स्ट लेयर और दिखाई नहीं दे रहा, और अब इमेज दिखाई दे रहा। तो इस पर क्या करना है, इमेज इमेज लेयर को सिलेक्ट करना है पहले, ऐसे रखने के बाद इमेज को सिलेक्ट करना है। इमेज लेयर को सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, लेयर्स आइए, लेयर्स के पास आइए, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, क्रिएट क्लिपिंग मास्क क्लिक करने से क्या होगा, ये इमेज लेयर क्लिपिंग हो जाएगा, क्लिप हो जाएगा। और इसका शॉर्टकट की रहता है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी, कीबोर्ड में अगर प्रेस कर देंगे तो ऑल्ट प्लस कंट्रोल जी, ये ऑटोमेटिक क्लिप हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर मैनुअली क्लिक किया, तो क्लिक किया तो देखिए अभी क्लिपिंग हो गया। अभी क्या हुआ, जो हमारा जो इमेज है, इमेज लेयर ही सिलेक्ट किया हूँ लेकिन टेक्स्ट लेयर नहीं, तो इमेज लेयर में क्या हुआ, ये क्लिपिंग हो गया। ऐसे होता है क्लिपिंग मास्क टू, हम ऐसे यूज कर सकते हैं, और आप यूज करके देखो और सीखो। साइनिंग आउट।